लास्ट वीडियो में हमने मॉड्यूल्स के बारे में देखा, और अब हम देखते हैं कि किस तरीके से हम इन मॉड्यूल्स को सब पैकेजेस में और पैकेजेस में अरेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने सारे के सारे कोड को मॉड्यूल्स के फॉर्म में रख रहे हैं, तो हमें इन मॉड्यूल्स को भी एक फोल्डर के अंदर रखना पड़ेगा ना, दैट कैन बी द सब फोल्डर, और इन सारे फोल्डर्स को भी हम एक बड़े फोल्डर्स के अंदर मेंटेन करके चलेंगे, जिससे कि हमारा कोड जो है मॉड्यूलराइज रहेगा प्रॉपर तरीके से। तो हम किस तरीके से एक मॉड्यूल को जो कि अंडर पैकेज है और सब पैकेज है उसको एक्सेस करते हैं, और किस तरीके से हम पैकेज बनाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में हम जानते हैं ना। सो लेट वी स्टार्ट हियर। आप देखिए, हमने लास्ट वीडियो में ये वाला एग्जांपल लिया हुआ था, इसमें आप देख सकते हैं कि हियर इज द पैकेज एंड हियर वी आर हैविंग द मॉड्यूल्स एज वेल एज वी आर हैविंग द सब पैकेज, है ना, और इस सब पैकेज के अंदर हमारे मॉड्यूल्स थे, है ना। सो व्हाट इज द हायरार्की राइट नाउ, यदि मैं बात करता हूँ आपसे, तो आपके पास एक बड़ा फोल्डर है ना, और उस बड़े फोल्डर के अंदर आपके दो फोल्डर्स और हैं, और इन दोनों फोल्डर्स के अंदर हमारा डेटा है ना। अब वो डेटा जो है हमारा वो किस फॉर्म में है, सारा का सारा डेटा हमारा जो है, दिस डेटा इज अंडर द मॉड्यूल्स, सारा का डेटा हमारा किस फॉर्म में है, मॉड्यूल्स के फॉर्म में है ना। सो इस मॉड्यूल के अंदर ही हमने हमारी क्लासेस, फंक्शंस, ऑल द डेटा लाइक वेरिएबल, सब कुछ हमारा इस मॉड्यूल के अंदर है ना। सो हम किस तरीके इसको सेग्रीगेट करेंगे इसको, और हम एक फोल्डर में किस तरीके से मॉड्यूल्स को एक साथ अरेंज करेंगे, और फिर हम चेक करेंगे कि किस तरीके से हम, जिस तरीके से हमने जुपिटर नोटबुक में हमारा इंपोर्ट किया था एक मॉड्यूल बनाकर, सो हाउ वी विल बी इंपोर्टिंग दिस पैकेज हायरार्की इनसाइड आवर जुपिटर नोटबुक। सो दैट इज द होल ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस वीडियो, है ना। सो फॉर राइट नाउ आवर अजम्पशन, हम मान के चल रहे हैं कि हमारे पास जो पैकेज बनाना है, दैट पैकेज इज लाइक वी आर हैविंग वन बिग फोल्डर, दैट इज अ वन बिग फोल्डर, नेम इज गिवन एज अ अकाउंट, इसका नाम क्या है हमारे पास, अकाउंट, ठीक है। हम इसका मान के चलते हैं कि अकाउंट के अंदर हमारे दो और सब पैकेजेस हैं या सब फोल्डर्स हैं जिनको मैं बोलूंगा, उनमें से एक हमारा जो है दैट इज योर करेंट अकाउंट, सेकेंड वन इज योर सेविंग अकाउंट। इस करेंट अकाउंट के अंदर भी हम एक मॉड्यूल m.py मेंटेन कर चलेंगे, है ना, फॉर द फॉर राइटिंग अ कोड रिक्वायर्ड फॉर दिस करेंट अकाउंट, और इस वाले सेविंग अकाउंट के अंदर भी हम एक m.py मॉड्यूल जो हमारा मेंटेन करके चलेंगे, है ना। सो वी आर हैविंग वन पैकेज अकाउंट, अंडर दिस वी आर हैविंग द करेंट एंड सेविंग अकाउंट एज अ सब पैकेज, एंड इनसाइड दिस वी आर हैविंग दिस m.py. So let me discuss how to do it practically. What I need to do here, मैं सबसे पहले मेरे फोल्डर में जाता हूँ, जिस फोल्डर में हम हमारा डेटा है पूरा का पूरा, और जो हम अभी तक एज अ हमारी वर्किंग डायरेक्टरी यूज कर रहे थे, है ना। तो आप देख सकते हैं कि जिस नोटबुक पे हम काम कर रहे हैं, दैट इज RGB पाइथन भोपाल, उस वो नोटबुक जो है हमारे, वो RGB वीडियो फोल्डर्स में आपके पास अवेलेबल है। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द फोल्डर्स, हमें किस तरीके से उसको मैनेज करना है। तो सबसे पहले नंबर में एक फोल्डर बनाता हूँ, और इस फोल्डर को मैं रीनेम करता हूँ, इसका नाम हम देते हैं दैट इज योर अकाउंट। अब हम इस अकाउंट के अंदर भी दो फोल्डर्स हमारे बना रहे हैं, है ना। नाउ वी आर हैविंग वन फोल्डर, द नेम इज गिवन टू दिस फोल्डर इज दैट इज योर करेंट अकाउंट, एंड वी आर हैविंग वन मोर फोल्डर, द नेम इज गिवन एज सेविंग अकाउंट। नाउ वी आर हैविंग दीज टू फोल्डर्स। अब एक बात बहुत क्लियर, 3.6 और 3.7 आई थिंक सो, जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें हमें एक इम्पॉर्टेंट टास्क है जो परफॉर्म करना होती थी, लेकिन अपकमिंग वर्जन में दिस इज नॉट नीडेड राइट नाउ। सो देखते हैं, हमने अकाउंट जो फोल्डर बनाया हुआ है हमारा, हम यहाँ पर आते हैं, इस अकाउंट फोल्डर के अंदर हमें एक .py फाइल जो है दैट वी नीड टू क्रिएट। दिस फाइल इज, द फाइल नेम इज अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट
underscore_py file. So this file is basically a Python file. और इस Python file के अंदर हम कुछ भी नहीं लिख रहे हैं ना, ये Python file जो है हमारी blank file रहेगी, जो कि हमारे RGPB PO के अंदर account folder है, उसके अंदर हमारी .py file है ना। सिमिलर फाइल जो है हमारी हम करेंट अकाउंट के अंदर बनाते हैं, एंड द फाइल नेम इज अगेन सेम, दैट इज underscore init underscore underscore in.py. नथिंग नीड टू बी रिटन हियर, एंड अ सिमिलर काइंड ऑफ फाइल दैट आई नीड टू क्रिएट इनसाइड सेविंग अकाउंट. तो मैं क्या करता हूँ, इस फाइल को लेता हूँ यहाँ से अकाउंट से, सिंपली आई पेस्ट हियर एंड क्रिएटेड वन फाइल. फाइल इज नथिंग, इट्स underscore init underscore underscore.py. तो आपने देखा होगा पैकेज को बनाने की सीरीज में, या पैकेजेस को यूज करने के लिए, या सब पैकेजेस को यूज करने के लिए हमने एक .underscore underscore init underscore underscore.py फाइल जो है प्रीवियस वर्जन में मैंडेटरी हुआ करती थी, हमने उसको क्रिएट करने की आवश्यकता है. अब हम क्या करेंगे, इस फाइल के अंदर हम एक और फाइल बनाएंगे, दैट इज नथिंग, इट्स अ m.py file. What I am writing inside this, this is basically inside current account, है ना? तो m.py file जो है मैं यहाँ पर केवल लिखता हूँ print hello friends, this is a current account file. ये करंट अकाउंट की फाइल है जिसके अंदर हम काम कर रहे हैं. यू कैन सी द फोल्डर, एंड हियर आई राइट x इज इक्वल टू 20, y इज इक्वल टू 30, एंड आई एम हैविंग वन फंक्शन हियर करंट, जस्ट आई गिव द सेम नेम, है ना. सो लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट द डिफिकल्टी एज वेल. तो जब मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, इस फंक्शन के अंदर मैं लिखता हूँ कि प्रिंट, this is called from the package, from the account package and sub package current. Fine. So what we are trying to do, हमने एक function f define किया हुआ है और इसके अंदर हमने दो variables define किए हुए हैं और हम इस file को save करते हैं. अब हम फिर से हमारे अकाउंट पर चलते हैं. अभी हमने जो वर्क करा है कि हमने m.py फाइल जो बनाई हुई है वो बनाई है करेंट अकाउंट में, ना. नाउ आई एम डूइंग द सेम एक्टिविटी हियर, आई एम क्रिएटिंग वन फाइल हियर, दैट इज m.py, एंड हियर आई एम टेकिंग द सेम कोड ऑफ दिस. सपोज आई रीच्ड हियर करेंट अकाउंट, और इस फाइल को मैं ओपन करता हूँ. यहां पर मैं लेता हूँ closing this file. Hello friend, this is a saving account file. Fine. Saving account file. And here I am initializing the x is equal to current. X is equal to saving, sorry. The y is equal to, I am assigning the value, that is 40. Now here I am writing, this is called from the account package and sub package saving. I save this file. Now I close these files. So inside your account folder, you can see we are having two subfolders. One is the current and second one is the saving. All the folders are containing underscore underscore init.py file.
सो द बेस फोल्डर इज अकाउंट एंड टू अदर फोल्डर्स आर करेंट एंड वो दीज फोल्डर्स आर कंटेनिंग वन मॉड्यूल दैट इज m.py. सिमिलरली इन द सेविंग यू कैन सी द m.py. नाउ व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू, वी आर ट्राइंग टू एक्सेस दिस पैकेज इनसाइड माय नोटबुक फाइल व्हिच इज अवेलेबल हियर. सो लेट आई ट्राई टू इंपोर्ट इट, इंपोर्ट अकाउंट. तो व्हेन आई रन दिस कोड कैन यू सी आई एम नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ एरर हियर, है ना. इसका मतलब क्या है, हमने जो पैकेज बनाया हुआ है वो परफेक्टली हमारे पाइथन वर्चुअल मशीन के थ्रू रिकॉग्नाइज हो पा रहा है और वो उसको एज अ पैकेज ट्रीट कर रही है और हमने उसको एक्सेस करा है ना. सो लेट मी ट्राई टू डू इट मोर. अंडर दिस अकाउंट व्हेन आई हिट टैब कैन यू सी अकाउंट इज हैविंग टू फोल्डर्स, वन इज द करेंट, सेकंड वन इज द सेविंग, है ना. सो लेट आई डू अकाउंट डॉट करेंट हियर एज सी, कॉल हियर सी डॉट एफ फंक्शन and run this code has no attribute f, fine, because the current is not having direct function f, it is having a module m, hai na. So what I need to do if I want to import this, so from account.current what I have to do, import a particular module m and run this code. So can you see this in the starting when I imported it, this is the hello friends, this is the current account module there, and when I will call the m, this is called from the package and sub package current. So hum jab current account ko access kar rahe hain to hamare paas iska data pura pura aa raha hai na. Similarly when I run this code and here instead of this I'm using the saving. Module name is same here. So can you see the hello friends? This is a saving account file, and because we have during the module we in the starting we have done the print function, and when I call the m.f, so can you see this is the this is called from the account package and sub package saving. So what is happening? Just we have created one folder account, and for this account I have initiated this file, this __net.py file, by which it will be able to understand this is not the normal folder, it is a kind of folder which is working as a package for the Python package. Now we are having two more folders, that is a current and saving, aur inke andar bhi humne __net file ko rakha hua hai, similarly with the saving, hai na. Ab इसके अंदर हमने जो m.py मॉड्यूल रखा है ये हमने सिंगल मॉड्यूल्स रखे हैं, सो इट कैन कंटेन अ लार्ज नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, एंड इसके बाद बहुत सारे मॉड्यूल्स भी हो सकते हैं m1 m2 m3. तो ये अपने कोड को सेग्रीगेट कर रख सकता है एज पर द रिक्वायरमेंट विद द हेल्प ऑफ पैकेजेस एंड सब पैकेज. सो दिस इज व्हाट द एक्चुअल वे टू राइट द पैकेजेस एंड सब पैकेजेस इन द पाइथन, एंड बाय इंपोर्टिंग दीज पैकेजेस लाइक दिस यू कैन राइट एनीथिंग अंडर द फोल्डर्स. And you can have subfolders also. I will say the sub packages also, and you can have the multiple modules. So this is all about the packages. Thank you for watching.